गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बैक टू बैक क्लासेज ए ग्रेड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन शुरुआत से इसको बात कर रहे हैं, भूपनीति नामक पाठ से शुरुआत कर रहे हैं। और अपने RBSC की अपने बुक है, उस बुक के अनुसार अपने सिलेबस लिया है और उसी के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना पहला अध्याय लिया था भारत का वैभवपति, और वही लगभग चल रहा है। 5-6 क्लास हो गई और 1-2 क्लास में हम पूरा कर लेंगे। तो इसमें अपन देख रहे हैं, कल अपन ने देखा था भारत की हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि किस प्रकार से वह एक नगरीय सभ्यता थी, और जो अन्य पैरेलल में चलने वाली सभ्यता उसे किस प्रकार से सुदृढ़ और पुष्कर थी, जिसमें अपन ने उसकी जो नगर नियोजन की व्यवस्था वगैरह देखी, नालियों की व्यवस्था देखी, जो तत्कालीन समय की सभी जो सभ्यताओं में अद्भुत एवं विश्वसनीय अच्छी थी। ऐसे कैसे आगे की जो भारत की वैभवपूर्ण उपलब्धियों में अपन देखते हैं, उसमें आती है वैदिकाल। वैदिकाल के जो शुरुआत में अपन ने जो भारत के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़े थे, उन स्रोतों में अपन ने इसके बारे में विस्तृत से पढ़ा था कि किस किस वैदिक स्रोतों से अपन को जानकारी मिलती है। तो इसमें अपन ने देखा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में जो जानकारी के स्रोत के रूप में एकमात्र ग्रंथ था जो अपने ऋग्वेद था, और भारत के काल में उत्तर वैदिक काल में तीनों ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। ये अपन इसमें क्या क्या उस समय की महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या सामाजिक धार्मिक स्थिति थी, वहाँ के देवताओं के रूप में किन क्या पूजन किया जाता था, या तत्कालीन समय में राजा महाराजाओं की क्या स्थिति थी, वो सारी अपने विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। उस समय अपने स्रोत पढ़े थे, अब वर्तमान में अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में कि उस समय उसका क्या महत्व था, और उसके बाद में उसके काल से लेकर महाजनपद काल तक ये सारा समय है जो लगभग वैदिक सभ्यता और अपने भारतीय धर्म से संबंधित ही मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इस काल में क्या क्या घटनाक्रम हुए वो सारा इसमें अपन विस्तृत रूप से देखेंगे। तो पहले अपन शुरुआत करते हैं भाषा एवं साहित्य समृद्धता। जैसा कि इसमें अपन ने पूर्व में भी पढ़ लिया था कि इससे पहले अपन को किससे पुरातात्विक रूप से जानकारी मिलती है, पुरातात्विक तौर पर अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो, जितने भी जो पुरातात्विक स्थल है उनकी खुदाई से अपन को जानकारी मिलती है। उस समय का इतिहास था आद्य इतिहास था, यानी जिसमें आधा लिखा हुआ था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए थे, तो वो सारा किसमें आता था, आद्य इतिहास में। लेकिन इस वैदिक काल के बाद में अपने ऐतिहासिक की शुरुआत होती है, यानी इसके अंदर जो भी ग्रंथ अपन को मिले हैं वो परिष्कृत रूप से लिखे गए थे और उनकी जो भाषा वगैरह थी वो बहुत ही व्यवस्थित थी। तो इसीलिए इसकी बहुत अपन को प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तो शुरू करते हैं भाषा एवं साहित्य समृद्धता। जैसा कि भाषा का पता चलता है, वैदिक काल की भाषा मुख्य भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में। तो उस समय मुख्य रूप से सारे जो वेद रचे गए, पुराण या जो भी उस समय के जो साहित्यिक स्रोत रचे गए, वो सारे अपने संस्कृत भाषा में रचे गए। और दूसरी बात है, संस्कृत भाषा इतनी परिष्कृत हो गई थी, इतनी व्यवस्थित हो गई थी कि उसमें उसको सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाओं की अपने अन्य जो भाषा बनी है वो संस्कृत से निकल कर बनी है, उससे उसका ज्ञान लिया गया है। व्याकरण के रूप में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से संस्कृत की व्याकरण थी वो बहुत ही परिष्कृत थी। इसके बारे में मैक्स मूलर वगैरह ने जो अपने एक ग्रंथ लिखा था हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, उसमें उसने इसके बारे में बहुत बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है। तो संस्कृत साहित्य बहुत परिष्कृत था। इसके अलावा इसको जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि अपने मुख्य रूप से ली जाती, देवनागरी लिपि के रूप में उसको लिखा जाता था। तो ये भाषा परिष्कृत थी। इसके अलावा साहित्य समृद्धता, साहित्य के अंदर अपने अथा भंडार पड़े थे। उस समय जो वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें संपूर्ण उस समय की सारी जानकारियाँ ले ली गई, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, और इनको शुरुआत में जो वेद थे उनको केवल अपने ज्ञान के रूप में ऋषियों द्वारा अपने गुरुकुल में, ऋषि मुनि द्वारा गुरुकुलों में बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान दिया जाता, जो एक श्रुति के रूप में, बोल के मौखिक रूप में जो ज्ञान दिया जाता था, इसलिए इनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज के काल में जब इसका ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, वेदों को वैसे अपरोष्य माना जाता है। अपरोष्य मतलब अपुरुष है, मतलब इनकी रचना करने वाला कोई व्यक्ति विशेष न होकर इनको एक लंबे समय में माना जाता है कि इसका लिखने वाला कोई पुरुष नहीं है, मतलब दिव्य जो भगवान के द्वारा लिखे गए या इस प्रकार से इसको माना जाता है, यानी किसी एक मनुष्य या एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे जाकर क्रमबद्ध रूप से समय समय में ऋषि मुनियों द्वारा इसमें अपनी बातों को श्रुति रूप में अपने शिष्यों को सुनाया गया, और हजारों मतलब कई वर्षों 100, 200, 300, 400, 500 वर्षों के जो ज्ञान था उसको फिर इसमें साहित्य के रूप में रचा गया, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत माने जाते हैं। अब उसके बाद में इन साहित्य के पैरेलली अपने
जो वेद की रचना हुई उन वेदों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य स्मृतियाँ ग्रंथ वगैरह लिखे गए, पुराण वगैरह लिखे गए। पुराण के बारे में बताया जाता है, अपने 18 पुराण हैं, 18 पुराण में उग्र सर्वा और उसके पुत्रों द्वारा इसकी रचना की गई। तो ये अपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत जाते हैं, जिसके अंदर जो पुराण है सबसे पुराना, अपने पुराण के बारे में विस्तृत पढ़ा था, मत्स्य पुराण है, इसके अलावा मार्कंडेय, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वो सारे इसमें आते हैं, टोटल 18। इसके अलावा इसके पास 29 उप पुराण है, उप पुराण भी रचे गए। तो इसमें भी अपने तत्कालीन समय की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके बाद में आती है अपने राजनीति व्यवस्था से लेने से पहले इसके अंदर जो और अन्य कोई बात पीछे न रह जाए इसके लिए अपन इस किताब के माध्यम से देख लेते हैं। उस समय ये एक अन्य, इनकी रचना किसने की है, ऐसा माना जाता है इनकी रचना जो अपुरुष से मैंने लिखा है उसके अंदर इसने लिखा है आर्य तत्कालीन समय में आर्य को लेकर भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य विदेशों से आए हैं, कुछ का मानना तिब्बत से आए हैं, कुछ का मानना मध्य एशिया से आए हैं। लेकिन अभी वर्तमान में अपन ने जो ज़्यादा बहुप्रचलित मत है उनका मानना है कि आर्य है जो भारत में बने, जो भारत में इनकी उत्पत्ति हुई है, इनकी उत्पत्ति के स्रोत भारत में है और इनका जो रहने का स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश जो तत्कालीन समय में अपने जो सात नदियों का, जो काबुल से लेकर अपने भारत की जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, इन नदी बीच में ये सारा इनका क्षेत्र माना जाता है। और ये का ये क्षेत्र अपने देखा है जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के, जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था वही इस आर्य सभ्यता का भी क्षेत्र है। इसीलिए वर्तमान के जो अपने पुरातत्ववेत्ता या जो इतिहासवेत्ता है वो बात मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सैंधव, ये अपने जो इसकी वैदिक सभ्यता है, दोनों सभ्यताओं में क्या है, समानता है। वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। तो इसका मतलब क्या है, जो जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में शहर चल रहे थे उन शहरों के पैरेलली कौन सी सभ्यता चल रही थी अपने, जो वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, जो ग्रामीण सभ्यता। इसी ग्रामीण सभ्यता के द्वारा इनके जो अन्नागार वगैरह में अन्न वगैरह पहुंचाया जाता था। ऐसा तो है नहीं कि शहर है जो सीधे अपने आसपास के खेतों में खेती हो जाएगी, बिना ग्रामीण परिवेश के शहरी परिवेश नहीं चल सकता है। तो इसीलिए इसके पहले ही ऐसा माना जाता है। वर्तमान में जो अपने इतिहास देखता है वो इन दोनों के अंदर बहुत गहरी समानता मानते हैं, क्योंकि इनका जो चाहे क्षेत्र हो, चाहे ये सारे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पहले माना जाता था कि भाई हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं थे, घोड़ा का पालन नहीं होता था, जबकि वैदिक सभ्यता में घोड़े का महत्व बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए इतिहास व्यवस्थाओं में थोड़ा भ्रम था, लेकिन वर्तमान में अपन को अनेक हड़प्पाकालीन जो स्थल है उनसे घोड़ों के प्रमाण भी मिल रहे हैं। तो अब इनमें जो इतिहास व्यवस्था है दोनों में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा जो आर्य, अब जैसे कि मैंने बताया आर्य जाति, आर्य का मतलब होता है ये कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष शब्द न होकर ये गुण विशेष था, यानी तत्कालीन समय के जो लोग थे उनके क्या गुण थे उनके आधार पर इनको आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन या श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले लोग, तो इसीलिए इनको आर्य कहा गया। और इन्हीं आर्यों द्वारा भारत के जो वैदिक काल की सारे जो कार्यक्रम है वो किए गए, सारे वेद पुराण वगैरह या सारा इनका जो इतिहास है वो इन्हीं आर्यों के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये इसमें मुख्य बात हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं संस्कृत की, बात मैंने बताई दी, इसको देववाणी भी कहा जाता है और ये तत्कालीन समय की बहुत सारी भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। इसका जो व्याकरण ग्रंथ व्याकरण थी वो बहुत ही परिष्कृत और शुद्ध व्यवस्थित थी, ये इसकी जानकारी मिलती है। अब इसमें अन्य जो सारी वैदिक की रचना वगैरह हुई है वो नदियों के किनारे हुई है, इसलिए और इसमें वेदों के अंदर 21 नदियों का उल्लेख किया गया। कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, 21 नदियों का उल्लेख किया गया, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। इसके बाद अपने अगला अपने भाषा साहित्य की समृद्धता, जिसमें अपन ने बताया दिया कौन सी संस्कृत की लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, और मैकडोनाल्ड ने इसके बारे में कहा है कि जो अपनी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर उसमें उसने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। इसके बाद में इनको अपौरुषेय कहा गया, जो अपन ने बताया दिया अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित न होकर एक लंबे अंतराल के दौरान अपने ज्ञान का जो संवर्धन किया गया उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध किया गया, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है। इसके बाद में श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि श्रुति के रूप में इनको सुन के जो गुरुओं द्वारा शिष्यों को सुनाया जाता था और लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी है जो ज्ञान पहुंचाया जाता था, और उसके बाद में काफ़ी वर्षों के बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया, इसको लिए उनको श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अपने ऋग्वेद के बारे में पहले क्लास में जो साहित्य वाली क्लास थी उसमें पढ़ लिए थे, इसके 10 भाग थे, 1028 सूक्त थे, इसके बारे में पढ़ लिया। सामवेद के बारे में अपन ने देख लिया कि इसको गायन रूप में लिखा गया था, जिसमें लगभग सारे श्लोक है जो दूसरे वेदों से
लिए गए थे। इसके बाद में यजुर्वेद के बारे में बताया था, जिसमें सारे कर्मकांड दे रखे हैं, किस प्रकार से यज्ञ होंगे, किस प्रकार उनमें आहुतियाँ दी जाएगी, वो सारी जानकारियाँ पढ़ ली। और उसके बाद में अथर्ववेद के बारे में बताया था कि किस प्रकार से अथर्ववेद के अंदर सारे जादू टोने टोटके और इनकी सारी जानकारियाँ दे रखी, तत्कालीन समय में जो चिकित्सा संबंधी ज्ञान भी किसमें दे रखा था, अथर्ववेद में। ये सारे देख लिए, तो इनके उपवेद भी अपने देख लिए थे। फिर इसके बाद में अपने आता है पुराण के बारे में, मैंने बताया टोटल अपने 18 पुराण थे और इनकी रचना थी उग्र सर्वा और अपने उसके पिता तो थे लौमर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा इसकी रचना की गई। लौमर्ष और उनके पुत्र है उग्र सर्वा, इनके द्वारा इनकी रचना की गई, जिसमें अपने मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये अपने इसके अलावा जो गरुड़ पुराण वगैरह है जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसके अलावा मैंने इनमें बताया कि इसके कितने उपपुराण थे, 29 उपपुराण माने जाते हैं। इस प्रकार से ये अपने पुराणों की जानकारी मिलती है। उसके बाद में अपने अन्य जो साहित्य है, जिसमें एक और महत्वपूर्ण है, जिसमें सूत्र साहित्य कहा जाता है, सूत्र साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अपने मुख्य रूप से श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, यानी जीवन को किस प्रकार से अपन को व्यवस्थित जीना है, इसके इन सूत्रों के माध्यम से जानकारियाँ दे रखी है। इसके अलावा अपने देखे थे वेदांग बताए गए हैं, स्मृतियाँ बताई गई, यांग्यवल्क्य है, मनुस्मृति वगैरह जो प्रमुख पुराणों के तत्कालीन समय की स्मृतियाँ थी। इसके अलावा महाकाव्य के 2 ही नाम है अपने, रामायण और महाभारत, इनका जो मुख्य लेखन हुआ है वो 1 से लेकर 3 शताब्दी तक इसकी रचना की गई, इनके बारे में भी थोड़ा विस्तृत बताएंगे। अब अगला अपने पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था एवं विशेषता, तत्कालीन समय की राजनीतिक व्यवस्था और विशेषता कैसी थी। अब अपन ने बताया था कि हड़प्पा काल के अंदर अपन ने देखा था कि तत्कालीन समय में कोई भी राजा वगैरह के अपन को अवशेष नहीं मिलते हैं, कि वास्तव में राजा हुए या नहीं हुए अपन को हड़प्पा काल में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो वैदिक काल है इसके अंदर इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है और इसके अपन को जानकारी के स्रोत भी प्राप्त है कि वर्तमान उस समय राजा होता था, राजा की सहायता के लिए किस प्रकार से मंत्रीगण होते थे, वो सारे इसमें व्यवस्थित जानकारियाँ दे रखी है। तो अपन देख लेते हैं और इसके क्या क्या प्रमुख जानकारी के माध्यम थे। तो राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन समय तक जो अपने समाज था उसमें राजाओं का पद सृजित हो गया था और राजाओं के पैरेलल राजतंत्र भी था और राजतंत्र के साथ साथ में गणतंत्र की व्यवस्था थी। अगला जो अपने पॉइंट आएगा गणतंत्र शासन पद्धति, उसमें विस्तृत बताएंगे। तो गणतंत्र व्यवस्था थी, अभी राजतंत्र के बारे में बात करते हैं। राजा था, राजा जनता द्वारा अपने जो आय का सट्टा भाग लेते थे, इसलिए जितनी भी आय होती है उसका सट्टा भाग लेते थे, इसलिए राजा को षड्भागी भी कहा जाता था। तो अब राजा है वो लोगों से बलि के रूप में, मतलब जो आवश्यक दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, अनाज है, खाद्यान्न है वगैरह, उसको कर के रूप में लेता था। अभी भी इतनी वो विशाल सेना वगैरह नहीं थी कि भाई राजा के पास बहुत ज़्यादा धन हो गया और उसने सेना बना ली, अभी तक साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारियां अपन को नहीं मिलती है। अभी राजा है जो सामान्य रूप में दैनिक वस्तुओं का उपयोग करती है और इसके अलावा अपने परिवार से संबंधित सदस्यों को मुख्य रूप से क्या बनाती थी, अपने शासन व्यवस्था में शामिल करते थे और उन्हीं के द्वारा शासन व्यवस्था चलाते थे। लेकिन इनके अलावा समाज में जो राजा था वो निर्कुंज नहीं होता था। निर्कुंज का मतलब राजा स्वेच्छा से मनसाय ऐसा नहीं ले सकता था। राजा पर अंकुश लगाने के लिए भी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के उनको जानकारी मिलती है, जिसमें 2 मुख्य संस्थाएं थी, एक थी सभा और एक समिति। पहले बात करते हैं अपने समिति की। समिति है जो वर्तमान में अपन इसको लोकसभा से इसका संबंध ले सकते हैं, जिस प्रकार लोकसभा में अपने द्वारा आम जनप्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं, उसी प्रकार जो उस समय समिति होती थी वो आम लोगों की सभा होती थी और उसमें सभी लोग हैं जो मुख्य लोग हैं जो शामिल हो सकते थे और इस सभा में राजा भी उपस्थित हो सकता था और ये राजा को क्या करते थे, सलाह देते थे। इसके अलावा अगली आती है जो सभा। सभा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती थी और जिसके अंदर विशेष जो या तो राज दरबार से संबंधित व्यक्ति थे या कोई विशेष जो उस समय की जो राज व्यवस्था थी उससे संबंधित मुख्य जो प्रधान व्यक्ति थे वो इस सभा में शामिल होते थे, जिसका अपन इससे तो अपन लोकसभा से संबंध कर सकते हैं। लोकसभा यानी सामान्य जन की सभा और इसमें सभा को अपन राज्यसभा से कर सकते हैं, यानी विशेष जनों की सभा जिसमें कुछ विशेष मुख्य लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये तत्कालीन समय की जो 2 सभा हैं ये अपन को जानकारी देती है कि तत्कालीन समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था में थी, सुदृढ़ व्यवस्था में थी, परिष्कृत व्यवस्था में थी। तो ये मुख्य जानकारी के स्रोत है। इसके बाद में अपने आता है
महाकाव्य काल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि महाकाव्यों की रचना मुख्य रूप से गुप्त काल में हुई है। अब गुप्त काल के अंदर किस प्रकार से इनके अंदर श्लोकों को शामिल किया गया, तत्कालीन समय की जो जानकारियाँ दी गई रामायण में, किस प्रकार से राम और उनकी सीता और किस प्रकार से उनको वनवास होता है, वो सारी उसमें पूरी कहानी देकर लोगों का जो नैतिक उत्थान के लिए इसमें मुख्य रूप से जानकारी दी गई है। फिर आता है अपने महाभारत। महाभारत के अंदर किस प्रकार से एक राज्य के लिए उस तत्कालीन समय के जो सारे जनपदों के नाम दे रखे हैं उसमें, वो सारी जानकारियाँ इसमें दे रखी, किस प्रकार से जनपद थी, कैसे उसमें विद्रोह हुआ। इसको गुप्त काल में पूर्ण रूप से परिष्कृत रूप से रचा गया, लेकिन ये सारा घटनाक्रम बताता है वो 6वीं शताब्दी से पूर्व में की सारी जानकारियाँ दे रखती है जब जनपद काल चल रहा था। जैसा कि अब कोई भी अपन ग्रंथ, मान लो किसी ने किसी व्यक्ति पर ग्रंथ लिखा तो उस ग्रंथ को मान लो वो 100, 200, 300, 500 वर्ष के बाद भी लिख सकता है, लेकिन वो घटनाक्रम है वो काफ़ी पहले हो चुका था। तो ये जब महाकाव्य रचे गए तो इसका घटनाक्रम ऐसा माना जाता है कि इससे 400-500 पहले, एक साल पहले ही घटित हो चुके हैं। तो इसके बारे में जानकारी है। फिर इसमें महाजनपद काल आता है, नाम से पता चलता है महाजनपद। महाजनपद यानी पहले क्या था, सबसे पहले सबसे छोटा अपने क्षेत्र बना जन। अब एक अपन विस्तृत रूप से इसको देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में बात करें, अपने सबसे पहले क्या होता है, देश होता है, फिर राज्य होता है, फिर संभाग, फिर अपने जिला, गांव या अपने पंचायत वगैरह, और सबसे अंतिम में क्या होता है, परिवार। लेकिन उस समय भी ऐसे कैसे व्यवस्था थी, देश, राज्य, फिर अपने संभाग आता था, जिला आता है, ग्राम, परिवार वगैरह आता है। तो उसी प्रकार उस समय सबसे बड़ी इकाई होती थी, राष्ट्र होती थी, फिर आती थी जन, उसके बाद ये महाजनपद काल से पहले की बात है, फिर जन, फिर विश और फिर ग्राम, और सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी परिवार। अब राष्ट्र का मुखिया होता था राजा, जन का होता था अपने जनपद का होता था विषपति, विश का विषपति, ग्राम का ग्रामीणी, परिवार का जन का होता था गोप, गोप होता था विष का विषपति, ग्राम का ग्रामीणी, और परिवार का मुखिया होता था जो परिवार का, वर्तमान में भी जैसे अपने पुरुष प्रधान समाज है तो परिवार का मुखिया जो परिवार में सबसे बड़ा सदस्य होता है वो उसमें मुखिया होता है। तो इस प्रकार की उसमें व्यवस्था थी। तो इसके ऊपर देख लेते हैं किस प्रकार से क्या क्या सभा और समिति की मुख्य रूप से जानकारी है। तो इसमें ऋग्वेद में के अथर्ववेद में दो जो अथर्ववेद है अपने उसके अंदर जानकारी दे रखी है, सभा और समिति थी वो दो अपने, इनको प्रजापति की पुत्रियाँ भी माना जाता है जो अपने राजा को सलाह एवं सहायता के रूप में कार्य करती थी। तो ये मुख्य संस्थाएँ थी। इसके अलावा धीरे धीरे सभा का मान तो घट गया और समिति का मान बढ़ जाता है। शुरुआत में सभा का मान ज़्यादा था और समिति का कम था, लेकिन आगे के उत्तर वेदी काल के अंदर अपने सभा का मान थोड़ा कम हो जाता है और समिति का काम मान बढ़ जाता है। तो ये मुख्य रूप से जानकारियाँ है। इसके अलावा एक और जो अपने राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी और जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एक राजा था जिसमें अपने पहले पाँच जन माने जाते हैं, पंचजननी माना जाता है, जिसमें कुरु पांच जन माने जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो पांच जन कौन कौन से हैं, जिसमें अणु, यदु, पुरु और एक और दो और है तुसर्व, तुवर्ष, और एक अन्य है जिसका नाम है द्रुहा, द्रुहा। ये पांच जन थे, इन जन के राजा, और इसके अलावा पांच जन और शामिल हो जाते हैं इसमें, प्लस पांच और हो जाते हैं, और इनके साथ में जुड़ जाता है अपने विश्वामित्र। विश्वामित्र नामक जो ऋषि थे वो इसमें जुड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ अपने भरत जन का राजा है, भरत जन का राजा है सुदास। इनके बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, और इन 10 जन के राजाओं को हराकर भरत जन का राजा है जो सुदास क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो ये भी तत्कालीन समय की उनको राजनीतिक व्यवस्था की इस तरह की जानकारी देते। इसका मुख्य कारण था सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर इनके स्थान पर वशिष्ठ ऋषि को क्या बनाया जाता है, अपना जो गुरु बना दिया जाता है अपने राज्य का। तो इस प्रकार से इसके लिए विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और 10 जन को इकट्ठा करके इनसे संघर्ष करता है। और एक अन्य इनके युद्ध का कारण भी बताते हैं, ये जो कंस नदी पर रावी नदी के तट पर लड़ा गया जिसे पुरुषोणी नदी भी कहा जाता है, पुरुषोणी नदी भी कहा जाता है, इस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। अब इस युद्ध के लड़ने का एक कारण भी बताया जाता है कि जो सुदास का जो भरत जन था वो उत्तर की तरफ था और बाकी जन थे जो दक्षिण नीचे की तरफ थे। तो जो नदी आ रही थी उस नदी का मार्ग परिवर्तन करके उसने अपने क्षेत्रों में
इसके नदी का प्रवाह कर लिया, जिसके कारण इसके किनारे जितने भी ये जो क्षेत्र थे, जो तत्कालीन समय के जो जन थे, वो जनों में पानी के लिए थोड़ी अव्यवस्था हो गई और इसलिए सारे इकट्ठा होकर विश्वामित्र के नेतृत्व में इसे संघर्ष करते हैं और इसमें कौन जीतता है, सुधा जीत जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उस समय की जानकारी का स्रोत था। तो ये बहुत अपने तत्कालीन समय की आर्थिक जो राजनीतिक स्थिति को अपन को जानकारी देते हैं। तो ये हो गया इसके मुख्य रूप से बात। अब अपन बात करते हैं, बस आगे एक ही बता दिया विश्वामित्र पुरोहित की जानकारी अपने दे दी। इसके अलावा जो मैंने पांच जन और लिखे थे उनके भी नाम लिख लेते हैं अपने, अनिल, पक्त, बलासन, विषाणी और शिव, ये अन्य पांच जनपदें मानी जाती है। तो ये मुख्य थी सभा समिति की अपनी जानकारी ले ली। अपने सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होती है, राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, परिवार। और ये सारे जो अन्य अन्य क्षेत्र है इनके ये जो अधिकारी होते थे वो टैक्स वसूल करते थे और राजा तक इसकी जो आपूर्ति करते थे। ये हो जाएगी फिर महाकाव्यकाल। महाकाव्यकाल के बारे में बताई दिया, मुख्य रूप से दो ग्रंथ है महाकाव्य में, एक है रामायण और महाभारत, और इनको व्यवस्थित रूप से गुप्त काल में वापस परिष्कृत रूप में लिखा गया। तो ये इसकी जानकारी के स्रोत है। इसके अलावा इनमें अन्य जो राजा की सहायता के लिए भी इनके अंदर जानकारी मिलती है अपन को। इसमें पूरी व्यवस्थित राजतंत्र की जानकारी मिलती है कि इसकी किस प्रकार से राजा अपने श्रेष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता है, जब श्रेष्ठ पुत्र योग्य हो जाता है तो अंत अपने पुत्रों में से किसी को क्या बना देता है, उत्तराधिकारी। और इसके अलावा उसका राजतंत्र भी कैसा होता था, वंशानुगत, यानी एक राजा का बेटा राजा बनेगा और उसका फिर राजा बेटा बनेगा, यानी वंशानुगत रूप से राजतंत्र चलता था। इसके अलावा राजाओं के अंदर देवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी लागू हुआ। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब मान लो आम लोग जो जनता है वो सीधे रूप में किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि उनका मानना होता है कि भाई समान व्यक्ति है तो अपने ऊपर कैसे शासन कर सकता है। तो इसीलिए राजाओं ने खुद को क्या किया, देवी उत्पत्ति से संबंधित बताया कि हम देवताओं की संतान है, इसीलिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए ये तत्कालीन समय के जो राजनीतिक जीवन की जानकारी के स्रोत में महाकाव्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो ये अपने जानकारी होगी। फिर अपने ये महाजनपद काल के अंदर प्रमुख रूप से कितनी महाजनपद बताई गई है, 16 महाजनपद। अब इसमें मैंने बताया कि जो सबसे जन का मतलब होता है जहाँ लोग निवास करते हैं या आम जो जनता होती है उनको जन कहा जाता है। अब छोटे छोटे जन बन कर क्या बन गए, जनपद बन गए। अब जनपदें छोटी छोटी जनपदें मिलकर क्या बन गई, महाजनपद, महाजनपद का निर्माण हुआ। अब इस प्रकार की महाजनपदें जो वर्तमान में तत्कालीन समय की जो ग्रंथ है जिसमें अंगूत्र निकाय बोध ग्रंथ है, अंगूत्र निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन सा है बोध ग्रंथ है अंगूत्र निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब इन 16 महाजनपदों में क्या, ये सारी जो छोटी छोटी जनपदें हैं उन जनपदों को मिलाकर ये बड़ी बड़ी महाजनपदें बन गई इस प्रकार से। लेकिन उसमें भी जो 4 महाजनपदें थी वो सबसे शक्तिशाली थी, जिसमें मुख्य रूप से एक तो है अपने मगध, कौशल, मगध, अंग और एक अन्य और है अपने वत्स और अवंती। ये जो मुख्य रूप से 4 महाजनपदें हैं वो तत्कालीन समय की सबसे शक्तिशाली महाजनपदें होगी। और इन महाजनपदों को भी ये करने का कार्य, महाजनपद काल को समाप्त करके आगे का कार्य किया इस मगध महाजनपद में, जब जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई और जो नंद वंश का नाश किया गया, उसके बाद में मगध महाजनपद के अंदर संपूर्ण उत्तर भारत की सारी जनपदें और अन्य जनपदें भी क्या हो गई, शामिल हो गए। पूरे भारत का क्या कर दिया उसने, एकीकरण कर दिया। इससे पहले तक जो मगध मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उससे पहले कौशल, मगध, वत्स और अवंती ये मुख्य रूप से महाजनपद थी, इनके अधीन में आसपास की जो सारी जनपदें हैं वो इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बना के अपना कार्य चला रहे थे। तो ये मुख्य बात है। अब आगे का अपने टॉपिक है प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का मतलब क्या है, जैसा कि अपन बात करते हैं भारत की जो वर्तमान में संविधान लिखा गया है उसमें भारत को कैसा बताया है, जो अपना भारत में गणतंत्र बताया। गणतंत्र का मतलब भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक मतलब राष्ट्रपति है, उसका चुनाव किया जाता है, न कि वह वंशानुगत वगैरह होता है। मतलब भारत का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद है, वह वंशानुगत न होकर कैसा है, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है जो वहाँ की व्यवस्था देखता है। तो उसी पद्धति को क्या कहा जाता है, गणतंत्रात्मक पद्धति। ऐसी पद्धति प्राचीन काल में भी भारत में चल रही थी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे उस समय
जो जनपदें थी, महाजनपदें थी, उसके अंदर बहुत सारे समान रूप से जो समान राजा होते थे या समान लोग होते थे, वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बना देते थे, अपने जनपद का प्रमुख बना देते थे और उसी के नेतृत्व में सारी शासन व्यवस्था क्या होती थी, लागू होती थी, चलती थी। लेकिन जब कोई भी ऐसी व्यवस्था आती थी जब वह व्यक्ति सही रूप से शासन व्यवस्था नहीं चला पाता था तो उसको हटा दिया जाता था और किसी अन्य व्यक्ति को क्या बना दिया जाता था, अपने अपने में से चुन के प्रमुख बना दिया जाता था, उसके द्वारा शासन व्यवस्था चलती थी। जैसा कि कई जगह नाम आता है राज शब्दोपजीवी यानी राजा के शब्दों पर जीवित रहने वाला शासन, ऐसा जो राजा के मुख से बात कही उसके द्वारा शासन चलता था उसको राज शब्दोपजीवी कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी वो बहुत परिष्कृत थी, अच्छी थी और इसमें सुव्यवस्थित रूप से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। और इसकी जो अपन तुलना है जो वर्तमान की संवैधानिक व्यवस्था से अपन कर सकते हैं, इसमें सर्वमान्य मत से कोई भी निर्णय लिया जाता था। मान लो किसी बात को लेकर विरोध चलता था तो उस विरोध को भी क्या कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था। ये मुख्य रूप से उस समय की बात थी जिसमें अपने एक बार मैं आपको 16 महाजनपदों के नाम बोल के बता देता हूँ, 16 महाजनपदें कौन थी और उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ थी। तो सबसे पहले है अपने अंग की राजधानी थी चंपा, दूसरी थी मगध जो सबसे मैंने बड़ी बताई है महाजनपद कही जाती है, जो चार महाजनपदों में शामिल है, जो मुख्य चार महाजनपदें थी उसकी राजधानी थी, एक तो गिरिवेश थी और दूसरी एक राजधानी जिसका नाम था राजगृह। इसके अलावा काशी जो वर्तमान में काशी है अपने क्षेत्र, उसकी राजधानी थी वाराणसी। इसके अलावा अपन बात करें कौशल देश की, तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। वज्जी संघ, वज्जी है जो चार पांच क्षेत्रों का समूह था, उस वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। इसके अलावा एक अन्य महाजनपद थी जिसका नाम था मल महाजनपद, उसको मल संघ भी कहा जाता था, वो भी एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रतीक था। तो उस मल महाजनपद की राजधानी थी, एक तो कुशीनारा थी और एक पावा थी। दो राजधानियों का मतलब किसी शासक द्वारा एक राजधानी हटाकर कहीं दूसरी जगह राजधानी स्थापित कर दी जाती थी आगे के काल में, तो वो भी अपने इसकी मल की थी कुशीनारा और पावा। फिर आती है छेदी की राजधानी थी शक्तिमती। फिर आता है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। फिर आता है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा पांचाल देश की राजधानी थी अच्छत्रपुर और एक कांपिल, ये दो राजधानियाँ थी। इसके अलावा मत्स्य जो अपने राजस्थान की महाजनपद कही जाती है जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की, तो उसकी राजधानी थी विराटनगर अथवा वर्तमान का बैराग। फिर है सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। फिर आती है अश्मक की राजधानी थी पोत्तन या पेदन्य कहा जाता है इसको। फिर आती है अवंती है जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में थी, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। फिर आता है अपने गांधार जो अपने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण जनपद थी, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी रहा हुआ है तक्षशिला, और उसी से संबंध था अपने जो विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं उसका। इसके बाद में कंबोज की राजधानी थी राजपुर। ये तत्कालीन समय की 16 महाजनपदें हैं और इनका उल्लेख हम उनको कौन किस ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है। तो ये है। इसके अलावा अपने जो गणतंत्रात्मक जो क्षेत्र थे, गणतंत्र कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था, तो उसके अंदर भी बहुत सारे नाम आते हैं जिसमें एक है कपिल वस्तु के शाक्य है। रामगाम था वहाँ के कोल्य थे, सुमारगिरी के भग थे, इसके अलावा अलकंप के पुली थे, केशपुत के कालाम थे, कुशीनारा के मल्ल थे और पावा के मल्ल थे, पीपली वन के मौर्य थे, मिथिला के विदेह थे और वैशाली के लिच्छवी थे, और इन्होंने मिलकर एक गणतंत्र की स्थापना की थी। इसके बाद में अपने मैंने बता दिया कि किस प्रकार से गणतंत्र होता है और किस प्रकार से राजतंत्र वर्तमान राजतंत्र से इसका संबंध रख देते हैं। तो ये लगभग 2500 साल पहले राजाओं के शासन से पहले 2500 साल पहले अपने भारत में इस प्रकार की गणतंत्रात्मक व्यवस्थाओं का मिलना अपने आप में उस समय की भारतीय राज व्यवस्था का सबसे अद्भुत अपने काल कहा जा सकता है। तो ये बहुत मुख्य महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत माना जाता है। फिर इसमें उस समय व्यवस्था भी थी, जिस प्रकार भी संविधान चलता है तो संविधान में जो अपने संसद की बैठकें चलती है उसमें कम से कम गणपूर्ति की बात रखी जाती है कि इतने सदस्य तो कम से कम होने चाहिए तब बैठक चलेगी। तो उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी, ये जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसमें सभी क्षेत्रों के गणों को बुलाया जाता था और उनकी एक निश्चित संख्या होने पर ही इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत माने जाते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन एवं प्रमुख विशेषताएं, इसमें पॉइंट लिख दिए मैंने जो अपने किताब में दे रखे हैं, इन्हीं पॉइंटों की अपन मुख्य रूप से बात करेंगे। सामाजिक जीवन यानी तत्कालीन समय में समाज की क्या स्थिति थी और समाज में कैसे कैसे जीवन व्यापन था, तो उस समय अपने वैदिक समाज, ये अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैदिक समाज के बारे में बात कर रहे हैं। अब वैदिक समाज में उस समय की वर्ण व्यवस्था, अब सबसे पहला पॉइंट ही अपने ले लेते हैं वर्ण व्यवस्था। जैसा कि मैंने वेद पढ़े थे तब उसमें लिखा था कि सबसे जो अपने वेद लास्ट में अथर्ववेद में लिखा हुआ है, इसके दसवें भाग में पुरुष सूक्त, नहीं अपने ऋग्वेद में
ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें भाग में, 10वां भाग है, उसके अंदर पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, उसके अंदर बताया गया है परम पुरुष। परम पुरुष उसके अपने कंधों से तो क्षत्रिय, अपने मुख से ब्राह्मण, नाभि से वैश्य और जांघों से इसके अपने शूद्र की उत्पत्ति बताई। यानी कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, जिसमें सबसे उच्च वर्ण है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है वैश्य, फिर है शूद्र। शूद्र वर्ण का केवल इसमें एक ही बार नाम मिलता है, और वो भी किसमें मिलता है? अपने ऋग्वेद के 10वें भाग में पुरुष सूक्त के अंदर बताया गया कि परम पुरुष के जांघों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। अब यह वर्ण व्यवस्था तत्कालीन समय में कैसी थी? अपने कर्म आधारित थी, कर्म आधारित थी। यानी जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होगा उसका वैसा अपने वर्ण माना जाएगा। अभी वर्तमान में जो अपने हैं, बाद के कालों में क्या सी होगी? जन्म आधारित होगी। यानी जिस वर्ण में जन्म लेता है उसी वर्ण का व्यक्ति माना जाता है, बाद में जन्म आधारित होगी। पहले ऐसा माना जाता था कि एक ही परिवार में ब्राह्मण भी हो सकता है, पैसे काम से क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और शूद्र भी हो सकता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसका वर्ण माना जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, पहले कर्म प्रधान था और वर्तमान में अभी कैसे हो गया है, अपने जन प्रधान हो गई व्यवस्था। तो उस समय की जो ये व्यवस्था थी वो तत्कालीन समय में समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से उसकी रचना की जाती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण का मुख्य कार्य था पठन और पाठन का, पढ़ना और पढ़ाना। इसके अलावा इनका मुख्य कार्य था यज्ञ और अनुष्ठान आदि का आयोजन करना। क्षत्रिय का कार्य था अपने राज व्यवस्था का काम करना, और सैनिक संबंधी कार्य, सुरक्षा संबंधी कार्य है जो क्षत्रिय के द्वारा किए जाते थे। वैश्य का मुख्य कार्य था व्यापार वाणिज्य करना, वस्तुओं का उत्पादन वगैरह करना और उनकी खरीद फरोख्त करना, बेचना वगैरह। तो ये इसका मुख्य कार्य था। फिर है अपने शूद्र, शूद्र का कर्म था, इन तीनों कर्म जो वर्ण थे इनकी क्या करनी थी? सेवा करने का कार्य मुख्य रूप से शूद्रों का माना जाता था। तो इस प्रकार की समाज में वर्ण व्यवस्था थी। फिर है आगे है अगला, इसके आधार पर अपन कह सकते हैं तत्कालीन समाज में समाज है जो परिष्कृत रूप में है जो कार्य करता था। इसी कर्म वर्ण व्यवस्था के आधार पर पूरा समाज है जो सुव्यवस्थित रूप से अपना कार्य चलाते थे। फिर आता है अपने आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था से संबंध में और अपने जीवन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए थी। पहले माना जाता था कि मनुष्य की उम्र होती थी 100 वर्ष, और उस 100 वर्ष को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, और इसी आधार पर अपने वर्ण चलाए गए, आश्रम चलाए गए, जिसमें पहला है अपने ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम एक नंबर, दूसरे पर था गृहस्थ आश्रम, नंबर तीन पर था अपने वानप्रस्थ आश्रम, और 4 पर था अपने जिसका नाम है संन्यास आश्रम। अब देख इसमें क्या विशेषता है संन्यास आश्रम अपने विशेषता, ये तीन आश्रम थे, इनकी शुरुआत में और 6वीं शताब्दी में अपने चलन चल रहा था हिंदू अपने वैदिक धर्म में। लेकिन बाद में जब 6वीं शताब्दी के बाद में भारतीय धर्म में जटिलता आ गई और इसके पैरेलल में अन्य जो समस्या आई, अन्य धर्म आए, और उनके कारण इसको आगे संकल्पना में जोड़ा गया, क्योंकि जो मोक्ष की संकल्पना आई है, मोक्ष प्राप्ति की संकल्पना आई है, वो आगे अपन देखेंगे इसमें जब पुरुषार्थ पढ़ेंगे तो उसमें किस प्रकार से जो मोक्ष के कारण इस संन्यास आश्रम को भी बाद में जोड़ा गया। अब इसमें 25-25 साल का बताया, मैंने बताया कि मनुष्य की उम्र कितनी बताई थी 100 साल बताई है, तो 25 साल के लिए अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए ऋषियों के पास में, ऋषि मुनियों के पास में जाकर शिक्षा और अध्ययन का कार्य करता है व्यक्ति, और अपने जीवन को नैतिक मूल्यों से जोड़ता है, और उन्हीं के आधार पर आगे का जीवन यापन करने के लिए, समाज का मतलब कुशल व्यक्ति बनने के लिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए ज्ञान का अर्जन करता है, तो ये ब्रह्मचर्य हो जाएगा। फिर गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक चलता है, और उसके बाद में विवाह के माध्यम से व्यक्ति है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और सबसे महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम है जो अपन कह सकते हैं, ये आधार कह सकते हैं तीनों आश्रम के टिकने का आधार, सभी आश्रम साइज में ब्रह्मचर्य आश्रम है तो वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वानप्रस्थ आश्रम के जो अपने माता पिता है उनकी सेवा करना वगैरह, और संन्यास आश्रम के जो सदस्य है उन सभी ये जो आश्रम के लोग हैं वो इस गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही सारे चलते हैं। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने आमदनी के स्रोत के रूप में कमाता है, और उसके माध्यम से अपने पुत्रों का भरण पोषण करता है, और जो वानप्रस्थ के लोग होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, उनका भी वो भरण पोषण करते हैं और गृहस्थी को चलाते हैं। गृहस्थी और यह सारा आश्रम है जो तत्कालीन समय में संन्यास से भी बड़ा माना जाता है, यानी सभी जो इस प्रकार एक योगी है जो केवल अपने
कर्म करता है उतने ईश्वर को याद कर लेगा। और इसी के पैरेलल में व्यक्ति है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके सभी जो वर्णों की क्या करता है, सेवा करता है, तो ये अपने आप में एक सन्यासी का जीवन ही कह सकते हैं इसको। तो ये गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। फिर आता है अपने वानप्रस्थ आश्रम, ये अपने 25 से लेकर 26 से लेकर 50 तक कह सकते हैं जो अपने चलता है गृहस्थ आश्रम। फिर 51 से लेकर 75 साल तक होता है अपने अपने वानप्रस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति क्या करता है, समाज से संबंधित कार्य करता है, जिसमें दान देना वगैरह, समाज से संबंधित जो अपने बड़े बुजुर्ग काम करते हैं उस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं में अपना ध्यान कर रखता है। और इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी जो जैसे विभिन्न प्रकार से अनुष्ठान वगैरह का आयोजन होता है तो उसमें भी इस व्यक्ति है जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये हो जाएगा वानप्रस्थ आश्रम। फिर आता है अपने 76 साल से लेकर 100 जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक होता है संन्यास आश्रम। और इस आश्रम में व्यक्ति क्या करता है, अपना घर परिवार त्याग कर जंगल में चला जाता है और वहाँ से फिर भिक्षावर्ती के माध्यम से भिक्षा मांग कर क्या करता है, अपने जीवन यापन करता है। और वहाँ पर केवल उसका एक ही होता है, भगवान को याद करने का मुख्य कार्य होता है, इसलिए इसको संन्यास आश्रम के रूप में जाना जाता है। तो ये थी अपने भारत के अंदर मुख्य रूप से 4 आश्रमों की व्यवस्था, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत थी वो गृहस्थ आश्रम की थी। तो ये सारी बातें हो जाएगी। तो ये तत्कालीन समय की सामाजिक व्यवस्था थी वैदिककालीन। इसके बाद में अपन बात करें, अगला आता है अपने संस्कार। संन्यास आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जो इसका मैंने बताया दिया, कि संन्यास लेते हुए वह व्यक्ति क्या करता है, घर परिवार त्याग कर क्या करता है, जंगल में जाता है और वहीं पर भिक्षावर्ती के माध्यम से अपने जीवन का यापन करता है। तो ये संन्यास हो गया। फिर आता है संस्कार और जीवन का परिष्कार। संस्कार का मतलब होता है व्यक्ति का अपने जन्म से पहले से लेकर अपना जीवन यापन करते हुए और मृत्यु के उपरांत भी संस्कार चलते रहते हैं। तो टोटल मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार माने गए, अलग अलग लेखकों को अलग अलग जो विचारक थे तत्कालीन समय के, जो अलग अलग ऋषि मुनि थे, उन्होंने अलग अलग इनकी संख्या दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनके कितने संस्कार माने जाते हैं, 16 संस्कार माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 16 संस्कार। उसमें 3 तो जन्म से पूर्व के संस्कार माने जाते हैं और 1 होता है जो जन्म के बाद का संस्कार होता है, और बाकी ये जो सारे इसके 12 संस्कार है जो इसमें इसके बीच वाले संस्कार माने जाते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से अपने टोटल 16 संस्कार है। तो पहला है गर्भाधान संस्कार, पुष्वंत संस्कार, फिर है सीमंतोदयन, तो नयन, फिर है नामकरण, कपुसो नहीं, पहले जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, फिर है निष्कर्मण के बाद में पहली बार उसको, ये सारे संस्कार के बारे में पहले नाम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो अपने सीमंतोदयन, गर्भाधान हो गया, पुष्पंत हो गया, सीमंतोदयन, जातकर्म, नामकरण, इसके बाद में निष्कर्मण भी लिख दिया, निष्कर्मण हो गया, फिर अन्नप्रासान, किताब में देखोगे उसमें सारे व्यवस्थित नाम लिखे गए हैं, फिर है चुंडा कर्म, इसके बाद में दे रखा है कर्ण वेद, इसके बाद में दे रखा है विद्यारंभ संस्कार, फिर दे रखा है अपने उपनयन संस्कार, इसके बाद में दे रखा है वेदारंभ संस्कार, इसके बाद में दे रखा है केशांत संस्कार, इसके बाद में समापवर्तन संस्कार, इसके बाद में विवाह संस्कार, और अंत में है अंत्येष्टि। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं, पहले एक एक संस्कार के बारे में बताता हूँ। गर्भाधान संस्कार, जब अपने पति पत्नी द्वारा अपने संतानोत्पत्ति के लिए जो शुरुआत में माना जाता है कि अपने व्यवस्थित रूप से गर्भाधान किया जाए, तो ये हो जाएगा मंत्रोच्चार के माध्यम से गर्भाधान। फिर उसका होता है पुष्पंत संस्कार, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए, जो गर्भाधान होने के बाद में पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारित किया जाता है उसको पुष्पंत संस्कार कहा जाता है। फिर सीमंतोदयन, जिसके अंदर उस जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके भरण पोषण के लिए, उसके व्यवस्थित मतलब विकास के लिए मंत्रोच्चारित करके ये
सीमंत उन्नयन संस्कार किया जाता है। तो ये तीन संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व के माने जाते हैं, जिसमें गर्भाधान संस्कार, पुष्पवंत संस्कार और सीमंत उन्नयन संस्कार। उसके बाद में व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति के जन्म के साथ में पहला उसका जो संस्कार होता है जन्म के साथ में वो होता है जातकर्म, यानी वह किस कुल में किस समय और उसका सारा जो जानकारी ली जाती है वो जातक संस्कार होता है। उसके बाद में पहली बार उस बच्चे का नाम किया जाता है, नाम दिया जाता है उसका, वो होता है नामकरण संस्कार। फिर अपने आता है निष्क्रमण, निष्क्रमण का मतलब होता है बच्चे के जन्म के बाद में पहली बार उसको जिस जहाँ पर उसका जन्म हुआ है उस जगह से उसको बाहर लाया जाता है, तो उसको भी एक संस्कार के रूप में जाना जाता है जिसे निष्क्रमण कहा जाता है। फिर होता है अन्नप्रसन्न, अन्नप्रसन्न का मतलब होता है छोटा बच्चा होता है शुरुआत में वो अपने माता का दूध पीता है, लेकिन बाद में जब उसको पहली बार शहद और उसके साथ में अन्न का जो 6-7 महीने का होता है बच्चा उसके बाद में जो अपने भोजन कराया जाता है अन्न का वो होता है अपने अन्नप्रसन्न संस्कार। फिर आता है छुंडाकर्म, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके जो बाल होते हैं उनको पहली बार जो बालों को काटा जाता है वो होता है अपने छुंडाकर्म संस्कार, जिसे अपने स्थानीय भाषा में बाधा वगैरह कहते हैं, तो वो अपने छुंडाकर्म संस्कार हो जाएगा। फिर कर्णवेद, जब बच्चे के कानों को बीधा जाता है पहली बार उसको कर्णवेद संस्कार कहा जाता है। इसमें भी अलग अलग बताया कि ब्राह्मण को किस धातु से उसके कान बीधेंगे, सत्य के किस धातु से कान बीधेंगे, वो सारी इसमें जानकारी दे रखी है, जिसमें ब्राह्मण में सोने के बताए हैं और सत्य और वैश्य के अपने चांदी के बताए हैं और शूद्र को लोहे के जो धातु है उससे कान बीधे जाता है, इसमें ये जानकारी दे रखी है। तो कर्णवेद संस्कार हो जाएगा। फिर आता है विद्यारंभ संस्कार, जब माता द्वारा कहा जाता है कि भाई माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, तो परिवार में माता के द्वारा बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है पहली बार जो अपने भारतीय जो तत्कालीन समय के जो सुबह में कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती थी रामायण महाभारत के वगैरह जो पाठ होते थे वो सारे इसमें शामिल होते हैं, विद्यारंभ संस्कार होता है। फिर होता है उपनयन संस्कार, जब बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुओं के पास में भेजने के लिए उसको उपनयन किया जाता है, जिसमें वो जनेऊ धारण करता है वो उपनयन संस्कार हो जाएगा और वहाँ पर ऋषि मुनि के आश्रम में चला जाएगा। इसमें भी ब्राह्मण के ऋषि मुनि के पास में जाने की अलग उम्र दे रखी है, क्षत्रिय की अलग दे रखी है, वैश्य की अलग दे रखी है और शूद्र की अलग दे रखी है, और जो जनेऊ धारण करते हैं उनमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के अंदर सभी प्रकार के अलग अलग जो मतलब अलग अलग प्रकार की जनेऊ धारण करने का बताया गया है। कोई अपने सूती वस्त्र जो सूती धागे की बनाएंगे, कोई सन की बनाएंगे, कोई अपने इसके ऊन की बनाएंगे, तो किन किन क्या है वो सारे इसमें देर की है उपनयन संस्कार में। और उनका उपनयन होता है जो शिक्षा अध्ययन के लिए जाता है आश्रम में, ऋषि के आश्रम में। फिर आता है वेदारंभ, ऋषि के पास में जाकर व्यवस्थित रूप से वेदों का अध्ययन करता है, वो संस्कार कौन सा कहलाता है, जब वेदों की शिक्षा दी जाती है ऋषि द्वारा वो वेदारंभ संस्कार हो जाएगा। फिर केशांत संस्कार, केशांत संस्कार में जब बच्चा लगभग 16-17-18 साल का हो जाता है तो अपने शारीरिक स्वस्थता के लिए जो पहली बार उसकी दाढ़ी मूंछ काटी जाती है वो हो जाएगा अपने केशांत संस्कार, जिसमें उसको केशांत बालों को काट दिया जाता है। फिर आती है अपने समापवर्तनी संस्कार, ये इंपॉर्टेंट संस्कार है, ये बच्चे की जो शिक्षा पूर्ति का संस्कार कहा जा सकता है। इसमें बच्चा है जो स्नातक हो जाता है शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो गुरु को दक्षिणा देकर वो क्या करता है अपने आश्रम से विदय करता है, तो वो जगह समापवर्तनी संस्कार। और सबसे अपने कहा जाता है कि भाई आदमी का विवाह होने के बाद तो उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है, तो ये अपने विवाह का जीवित अवस्था में अंतिम जो संस्कार है वो होता है विवाह, यानी व्यक्ति का विवाह हो जाता है और उसके बाद में उसकी जीवन का अब संस्कार सारे समाप्त हो गए, अब उसके मरने के बाद एक संस्कार रह जाता है और वो है अंत्येष्टि, कि अब कुछ पीछे बचा ही नहीं है, विवाह हो गया अब सारा काम खत्म, अब आगे जब मरता है व्यक्ति तो उसको जलाने की जो प्रक्रिया होती है वो अंत्येष्टि संस्कार है और ये मृत्यु के बाद का एकमात्र संस्कार हो जाता है। तो ये अपने टोटल हो गए 16 संस्कारों के बारे में जानकारी। उसके बाद में इसमें अन्य क्या दे रखी है जानकारी, पुरुषार्थ, अगला इसमें अपने सामाजिक जीवन में पॉइंट दे रखा है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के अंदर अपने 4 पुरुषार्थ बताए गए हिंदू धर्म में, जिसमें 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मोक्ष संस्कार है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बाद में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जब बताया गया कि निर्वाण और जो अपने मोक्ष की संकल्पना दी गई, इसके बाद में भारतीय हिंदू धर्म ने भी महसूस किया कि अपने धर्म में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म और कर्म के भेद से लोग क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, और इसी संकल्पना को अपनाते हुए उन्होंने इसका नाम दिया मोक्ष। तो इस मोक्ष के संकल्पना है जो मैंने बताया था कि आश्रम व्यवस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति क्या करता है पहले अध्ययन अध्यापन के माध्यम से जो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है वो नैतिक उत्थान करता है, अपना नैतिक जीवन को
मूल्यों को बढ़ाता है, जिसमें समाज में उसका व्यवस्थित स्थान सुनिश्चित हो जाए। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में आता है व्यक्ति और वहाँ पर अपने काम धंधे के माध्यम से उचित माध्यमों से, अब अनुचित नहीं, उचित माध्यम से अपने जीविकोपार्जन के लिए जो इनकम प्राप्त करता है वो हो जाएगा अर्थ, यानी सांसारिक सुखों को इकट्ठा करता है। उसके बाद में काम, जिसमें अपन कह सकते हैं कि भाई जो तीसरी अवस्था होती है, जिसमें अपने वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति है जो इन सुखों का भोग करता है, अपने जो जितने भी उन्होंने सांसारिक सुख लिए हैं उन सुखों का अच्छे से वो उपभोग करते हैं, तो ये जाएगा काम। और उसके बाद में व्यक्ति को अपने आता है कि भाई जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने भगवान के लिए भगवान की आराधना को बताया गया, और जिसमें इसमें संन्यास आश्रम अपने कह सकते हैं। तो ये सात संकल्पनाएँ दी गई है अपने पुरुषार्थ की, जिसमें किस किस प्रकार से नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने ये सारे व्यवस्था चलती है, और इसके आधार पर भी व्यक्ति जीवन यापन करे तो व्यक्ति का जीवन है वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण व्यवस्थित रूप से व्यक्ति का जीवन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये जाएगा पुरुषार्थ। फिर अपने ये वैदिक धर्म में दे रखा है तीन प्रकार के ऋण बताए गए हैं और पाँच प्रकार के यज्ञ बताए गए, अपन इनको लेते हैं यज्ञ और ऋण। मुख्य रूप से ऋण बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में जो जन्म के बाद में व्यक्ति के तीन मुख्य कर्तव्य हो जाते हैं, जिसमें पितृ ऋण ऋषि ऋण और एक और अन्य ऋण है जिसका नाम है देव ऋण। अब इसमें क्या है, व्यक्ति पितृ ऋण का मतलब है पिताजी के द्वारा अपन को जन्म दे दिया गया, अब अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य क्या है, अपन संतानोत्पत्ति के माध्यम से क्या करें, अपनी संतति को क्या करें, आगे बढ़ाएं। जैसे अपने दादाजी से पिताजी से अपन, और अपने से आगे अपने इनकी पिताजी की संतति को अपन को क्या करना है, आगे बढ़ाना। तो जब संतानोत्पत्ति के माध्यम से क्या करता है व्यक्ति, अब अपने पिताजी की संतति को आगे बढ़ाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, उसका पितृ ऋण क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी अपने पिता का वंश से जो आगे बढ़ गया। तो ये हो गया संतानोत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। फिर आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब इसमें अपन ने बताया कि समापवर्तन संस्कार के माध्यम से, नहीं उपनयन संस्कार के माध्यम से, उपनयन संस्कार के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, आश्रम व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास में जाता है। अब उसका कर्तव्य है कि गुरु ने जो शिक्षा दी है, जो नैतिक मूल्यों का विकास किया है, उनको और आगे प्रचारित किया जाए, उस ज्ञान को आगे फैलाया जाए, यानी ज्ञान का प्रचार किया जाए, उस ज्ञान को आगे अंत्य लोगों तक, उस ज्ञान का जो ज्ञान लिया है उसका काम में लिया जा सके, समाज में उसका उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से अगर उस ज्ञान को आगे बढ़ा दिया जाए तो इसके माध्यम से ऋषि का ऋण भी क्या हो जाएगा, ऋषियों का ऋण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आता है देवताओं का ऋण। देव ऋण का मतलब है देवताओं ने हमने अपन को इस धरती पर भेजा है, तो अपन को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिसके माध्यम से अपन, जैसे चींटियों को दाना देना, अपने इसके अलावा जो अन्य पक्षियों को दाना देना, चींटियों को जो आटा वगैरह, पक्षियों को दाना वगैरह, गाय को भोजन, गाय को चारा कह सकते हैं, कुत्तों को रोटी या अन्य सामग्रियां देना, गरीब को बाहर को मंगा मांगने वाला आ जाता है, याचक को कुछ दान वगैरह देना, तो इन माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन, देव ऋण से भी क्या कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से अपने ऋण हो गए, जो तीन ऋण कहा जाता है, त्रिऋण कहा जाता है इनको। इसके अलावा अपने पांच यज्ञ बताए हैं, तो पांच यज्ञ में से तीन यज्ञ तो यही है, इन ऋणों के स्थान पर अपन नाम लिख दें यज्ञ, तो ये हो जाएगा अपने पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ और अपने यज्ञ और देव यज्ञ। एक है नर यज्ञ और एक अन्य अपने नाम है जो अपने ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म और ऋषि तो एक ही है, पितृ हो गया भूत यज्ञ, एक नाम कौन सा है, अन्य नाम है, एक तो नर यज्ञ और एक भूत यज्ञ, तो ये दो नाम और जुड़ जाते हैं। पितृयज्ञ के अंदर अपने पितरों को जो श्राद्ध तर्पण वगैरह दिया जाता है उसके माध्यम से ये यज्ञ पूर्ति हो जाती है, पितरों को मृत्यु के बाद में जो श्राद्ध वगैरह दिया जाता है तो उससे हो जाएगा पितृयज्ञ की अपने पूर्ति हो जाएगी। और इसके अलावा जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा करना और गुरुजनों का सम्मान करना,
गुरुजनों का सम्मान करना वो जाएगा पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ में शिक्षा का जो आगे करना, यज्ञों का अनुष्ठान वगैरह करना, दान वगैरह देना, वो सारा इसमें जाएगा। ऋषि यज्ञ में या ब्रह्मा यज्ञ उनके विचारों को आगे फैलाना, फिर हो जाएगा अपने देव यज्ञ, देवताओं के यज्ञ के अंदर मैंने बता दिया, देवताओं की स्तुति करना, सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करना, उनको याद करना, वो हो जाएगा देव यज्ञ। नृ यज्ञ यानी इसमें सारे अपने जो मानव मात्र की सेवा के लिए कार्य करना, लोगों की सेवा करने से संबंधित है, मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना, जैसे अपने जो बनाए जाते हैं चौराहों पर वगैरह, जो पानी वगैरह के लिए अपने व्यवस्था की जाती है, जो अपने प्याऊ वगैरह बनाई जाती है, वो सारी इसमें आ जाएगी अपने जो मुख्य रूप से नृ यज्ञ में। फिर भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में अपन ने मैंने पूर्व बताया था कि चींटियों को खाना देना, कुत्तों को रोटी, गाय को चारा वगैरह देना, और अन्य जो चींटियों वगैरह का भोजन वगैरह देना, वो सारा किसमें आ जाएगा भूत यज्ञ में। इस प्रकार से इनको पांच यज्ञ की अवधारणा इसमें दे रखी है। फिर आती है परिवार की संकल्पना। तो वैदिक काल के अंदर परिवार थे, जो वर्तमान में जैसे अपनी परिवार है वो कैसे परिवार है, एकल परिवार। वर्तमान के परिवार कैसे हो रहे हैं, एकल परिवार, लेकिन उस समय जो परिवार की व्यवस्था थी उसमें संयुक्त परिवार होते थे, एक बड़ा कुटुंब होता था परिवार का मुखिया। वैदिक काल में परिवार का मुखिया होता था वो पिता, अर्थात पितृसत्तात्मक समाज था, जिसमें व्यक्ति विशेष का आदमियों का वर्चस्व चलता था। अपन ने हड़प्पा काल में पढ़ा था, हड़प्पा काल में था मातृसत्तात्मक, और वैदिक काल में कौन सा है, पितृसत्तात्मक समाज। तो इसमें परिवार का मुखिया पिता होता था, और परिवार है जो संयुक्त परिवार थे, जिसमें अपने दादा के परिवार है वगैरह, सारे लगभग 20-30 लोग है जो सामूहिक रूप से रहते थे और जो कमाते थे, और बाकी लोग सभी का उसमें सामूहिक रूप से विकास होता था, बहुत महत्वपूर्ण थे। और उसमें समाज की एक जो नैतिकता जुड़ी हुई थी, समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के अवगुण भी उसमें शामिल होते थे, सभी परिवार एक दूसरे की निगरानी में व्यवस्थित रूप से उनका जीवन यापन चलता था। तो परिवार व्यवस्था संयुक्त परिवार के रूप में थी, और परिवार का मुखिया होता था वो व्यक्ति विशेष होता था, इसलिए इसको पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। फिर है स्त्रियों की स्थिति। तो स्त्रियों को जिस प्रकार पुरुषों को अधिकार था, वैसे के वैसे स्त्रियों को भी अधिकार था। यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज न होते हुए भी स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी, कोई रूढ़ियाँ नहीं थी उस प्रकार की, उसमें अपने विभिन्न प्रकार के लोग पर्दा प्रथा भी नहीं थी, विभिन्न प्रकार की जो बाल विवाह वगैरह की प्रथाएं नहीं थी। महिला है जो सम्मानजनक रूप से अपना जीवन यापन करती थी, ये तत्कालीन समय की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी। यहाँ पर उसमें सिक्ता है, विश्ववारा है, घोसा है, अपाला, लोपा मुद्रा वगैरह है, जो प्रमुख तत्कालीन समय की विदुषी महिलाएं थी, जो व्यवस्थित रूप से है, जो खुद भी अध्ययन और अध्यापन का कार्य करती थी। इसके अलावा आश्रमों में भी स्त्रियां हैं जो शिक्षा प्राप्त करती थी, तो उनको भी अधिकार थे शिक्षा प्राप्त करने का। तो ये तत्कालीन समय की स्त्रियों की स्थिति है, जो बहुत अच्छी बताते हैं, और उस समय की अपन को तत्कालीन समय की बहुत ही अच्छी सामाजिक जीवन की जानकारी अपन को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये सामाजिक जीवन हो जाएगा जिसकी अपने मुख्य मुख्य बात कर ली, और इन्हीं के आधार पर है जो समाज व्यवस्थित रूप से चलता था।